हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका अग्निवीर का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए हमने आपका यहां पर प्रैक्टिस सेट शुरू कर रखे हैं, जिनमें हम 6 प्रैक्टिस सेट पहले कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर उनको भी कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं सीधे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैंने इनमें कराए हुए हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं अपने सातवें प्रैक्टिस सेट पर। चलिए दोस्तों, देखिए आज का पहला सवाल देखिए किस प्रकार से है। मेगस्थनीज किसका दूध था? आपको बताना है, जो ये मेगस्थनीज था ये किसका दूध था? क्या सेल्यूकस निकेटर का, या सिकंदर का, डेरियस का, या उपरोक्त सभी? देखिए, जो ये मेगस्थनीज था ये दूध था सिकंदर का। किसका दूध था? सिकंदर का दूध था, क्योंकि मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में सिकंदर से बनने वाले जितने भी सवाल हो, चाहे वो सिकंदर से आने से लेकर और सिकंदर के युद्धों तक और सिकंदर के मरने तक जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मैंने आपको सभी को उसमें डिटेल में बताया है। मैं यहाँ उनको डिटेल में रिपीट नहीं करूंगा, तो आपको वीडियो जरूर जाकर देखनी है पिछली भी। चलिए देखिए अगला सवाल, देखिए कनिष्क किस वंश का सम्राट था? देखिए, जो एक कनिष्क है आपको बताना है कि ये किस वंश से संबंधित था? क्या गुप्त वंश से, कुषाण वंश से, चेर वंश से, या चोल वंश से? देखिए, जो एक कनिष्क था ये था आपका कुषाण वंश का सम्राट। किसका था? कुषाण वंश का सम्राट था। और अब बात करते हैं कुषाण वंश की, कुषाण वंश से क्या का इंपोर्टेंट बनते हैं, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। देखिए, अगर बात करते हैं इसकी स्थापना की, किसकी? कुषाण वंश की स्थापना की, यानी कि इसका फाउंडर कौन है? वो है आपका कुजलू कडफिसिस, ऐसा ही नाम है। देखिए, कुजलू कडफिसिस, कुजलू कडफिसिस जो है इसका क्या है, संस्थापक है। और इसने इसकी स्थापना कब की थी? इसने की थी 15 ईस्वी में। कब की थी? 15 ईस्वी में कुजलू कडफिसिस ने इसकी कुषाण वंश की स्थापना कर दी थी। और दोस्तों, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो एक कनिष्क है कौन, जो एक कनिष्क है इसने अपनी क्या एक राजधानी बनाई थी अपने टाइम पे, जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनिष्क ने राजधानी किसे बनाया था? तो किसने किसने बनाया था इसको? इसने बनाया था आपका पुरुषपुर को। किसने? पुरुषपुर को जो है अपनी राजधानी इसने बनाया था, जिसको हम पेशावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम पेशावर भी कहते हैं, आपको याद रखना है। और कनिष्क से इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, जो ये कनिष्क है और जब ये कनिष्क है इसने क्या किया था? इसने आपका 78 एडी में ही गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? गद्दी पर ही 78 एडी में बैठा था। और इसने अपने गद्दी पर बैठते समय क्या चलाया था? इसने शक संवत चलाया था। यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि शक संवत किसने चलाया था? तो किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। कब चलाया था? 78 ईस्वी में चलाया था, जब ये गद्दी पर बैठा था दोस्तों। और जो ये कनिष्क है ये था बौद्ध धर्म का अनुयायी। किसका था? बौद्ध धर्म को मानने वाला था एक आपका कनिष्क, और बौद्ध धर्म की भी महायान शाखा को ये मानता था। आपको ये बात याद रखनी है। और इसके दरबार में इम्पोर्टेंट जो कवि हैं वो कौन कौन है? देखिए, इसके दरबार में इनके एक राजवेद थे। कौन थे? राजवेद थे। यहां से क्वेश्चन बनता है, देखिए, जो ये राजवेद थे उनका नाम था चरक। कौन था? चरक। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि प्रमुख कवि चरक किसके दरबार के राजवेद थे? तो किसके थे? कनिष्क के दरबार में एक राजवेद थे। और जो ये चरक हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, चरक संहिता। क्या है? चरक संहिता बिल्कुल भूलनी नहीं है इनको, फिंगर टिप्स रखना है जितना भी मैं आपको साइड में बता रहा हूं। देखिए, चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक है, जो कि कनिष्क के दरबारी कवि थे। ठीक इसी प्रकार से इनके एक महत्वपूर्ण कवि है आपका अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष भी इन्हीं के दरबार के कवि थे। और अश्वघोष ने क्या लिखी थी? बुद्ध चरितम लिखी थी। क्या लिखी थी? बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? ये है आपका अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। और इनमें से ही एक महान कवि कौन थे? नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन भी जो है इन्हीं के दरबार में रहते थे। और जो ये नागार्जुन जी हैं, इनको कहा जाता है आपका भारत का आइंस्टीन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है नागार्जुन को, जो कि कनिष्क के दरबार के कवि थे। और दोस्तों, ये जो नागार्जुन है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका माध्यमिक सूत्र। क्या है? माध्यमिक
माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? नागार्जुन है। और इसी माध्यमिक सूत्र पुस्तक में इन्होंने दिया है सापेक्षता का सिद्धांत। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आपका नागार्जुन ने। और किस पुस्तक में दिया था? आपका माध्यमिक सूत्र में। और भारत का आइंस्टीन भी इन्हीं को कहा जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इनको दिमाग में एकदम से छाप लेना है। चलिए अगला सवाल देखिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जो ये सांची का स्तूप है इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। और अशोक से बनने वाले जितने भी मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता चुका हूँ, बिंदुसार से संबंधित भी बता चुका हूँ, और चंद्रगुप्त मौर्य से भी जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैं आपको पिछले प्रैक्टिस सेटों में करा चुका हूँ। तो आपको पिछले प्रैक्टिस सेट जरूर देखने हैं, मैं यहाँ पर दोबारा क्वेश्चनों को रिपीट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। चलिए देखिए अगला सवाल। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों जो ये रामकृष्ण है ये मात्रा यहां नहीं, यहां लगेगी, ये यह यहां पर लगेगी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां है? देखिए दोस्तों जो ये रामकृष्ण मिशन है इसका जो मुख्यालय है वो है वेल्लूर में। कहां पर है? वेल्लूर में इसका जो है हेडक्वार्टर है। और जो ये रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी जो स्थापना की है वो की है आपका स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने की है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने जो है इसकी स्थापना की है। और कब की है? 1897 में की है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो कब की थी? 1897 में की थी। और कहाँ पर की थी? कोलकाता में की थी। कहाँ पर की थी? कोलकाता में जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों जो ये स्वामी विवेकानंद जी है इनके बचपन का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम जो है वो है नरेंद्रनाथ दत्त। क्या है? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त किसके बचपन का नाम है? स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम है। और दोस्तों जो ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी है इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। क्या की थी? वेदांत सोसाइटी की स्थापना। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वो की थी आपका स्वामी विवेकानंद जी ने। और कब की थी? 1896 में। और कहाँ पर की थी? न्यूयॉर्क। कहाँ पर की थी? न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। किसकी? वेदांत सोसाइटी की। ये जो क्वेश्चन है ये स्वामी विवेकानंद जी से पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप अपने जहन में रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? आपको बताना है जो ये कलिंग के राजा खारवेल हैं, राजा खारवेल किस वंश से संबंधित है? चेदी, कदंब, हर्यक या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो ये कलिंग नरेश राजा खारवेल हैं ये है आपका चेदी वंश से संबंधित। किससे है? चेदी वंश से संबंधित है। हर्यक वंश के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। आएंगे, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको बताना है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? कैस्पियन सागर, अरब सागर, इरी झील या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारी विश्व की सबसे बड़ी झील है वो है आपकी कैस्पियन सागर झील। कौन सी है? कैस्पियन सागर झील हमारी जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कौन सी? भारत की सबसे बड़ी झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी झील, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा चिल्का झील। कौन सा? चिल्का झील। चिल्का झील, चिल्का झील, चिल्का झील जो है आपकी भारत की सबसे बड़ी झील है, जो कि खारे पानी की झील है। और कहाँ पर स्थित है? ये है आपका उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसकी आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि चील उड़ी, चील से चिल्का, उड़ी से उड़ीसा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? आपको बताना है जो हजार झीलों की भूमि है वो किस देश को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं नदियों का देश किसे कहा जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, नदियों का देश, नदियों का देश किसे कहा जाता है? और अगर मैं पूछ लूं नहरों का देश, क्वेश्चन अलग है, ऊपर नदियों का है नीचे है नहरों का देश, नहरों का देश किसे कहा जाता है? आप ये बताएंगे। और आप बताएंगे धान का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत में
धान का कटोरा, धान का कटोरा किसे कहा जाता है, और आपका भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये चार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जो हमारा नदियों का देश है, नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश में जो है लगभग सभी नदियां जाकर गिरती हैं और वहीं पर जाकर मिलती है आपका बंगाल की खाड़ी में। देखिए, नहरों का देश, नहरों का देश किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका पाकिस्तान को। किसको कहा जाता है? पाकिस्तान को। किसको कहा जाता है? पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, और नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, और धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य को जो है क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को, जो कि गुजरात का एक शहर है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है क्या? अहमदाबाद, जिसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आप सभी इनको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का यानी कि आपको बताना है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा वॉटरफॉल कौन सा है? बोयोमा, स्टेनले, एंजिल या लियाग्रा। देखिए, जो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है वो है आपका एंजिल जलप्रपात। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। और दोस्तों, जो स्टेनले है ये एक झील है। कहाँ की है ये? तमिलनाडु की है। कहाँ की है ये? ये है आपका तमिलनाडु की। और जो एंजिल है, एंजिल मैंने आपको भी बताया है कि विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और कहाँ पर स्थित है? ये है आपका वेनेजुएला में। कहाँ पर है? वेनेजुएला में स्थित है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर। कितनी है? 979 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, ये तो आपका हो गया विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और अगर मैं पूछ लूं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का भी इम्पोर्टेंट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो है आपका कुंचिकल। कौन सा है? कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि वराही नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वराही नदी पर स्थित है, और कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में वराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, इसकी जो आपकी ऊंचाई है वो है लगभग 455 मीटर। कितनी है? 455 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? आपको बताना है कि विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया, सुपीरियर, बेकाल या मिशिगन। देखिए, जो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है सबसे बड़ी, वो है आपकी बेकाल झील। कौन सी है? बेकाल झील। और ये बेकाल झील मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, विश्व की सबसे गहरी झील भी है। विश्व की सबसे गहरी झील भी यही है बेकाल, क्योंकि इसको देखकर क्या आ जाता है? काल। काल क्यों आता है? क्योंकि ये गहरी है। ठीक, आपको यह बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये आपको पहले ही बता दी है। ये तो हो गई आपकी विश्व की सबसे मीठे जल की झील। और अगर आपसे पूछ लूं मैं कि भारत की बताइए, भारत की सबसे ऊंची, सॉरी दोस्तों, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप क्या उत्तर देंगे? आप उत्तर देंगे वूलर झील। क्या देंगे? वूलर झील। वूलर झील कहाँ पर स्थित है? यह है आपकी जम्मू कश्मीर की। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर की वूलर झील भारत की सबसे जो है मीठे पानी की झील है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? दोस्तों, मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में जो है आपको सारी की सारी अनुसूचियां करवाई है, 1 से लगाकर 12 तक, तो आपको पिछले प्रैक्टिस सेट जरूर देखने हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारी ये पंचायती राज संस्था है, ये किस अनुसूची में बताई गई है? ये बताई गई है आपका अनुसूची 11 में। किसमें? अनुसूची 11 में बताई गई है। और अनुसूची 10, अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल। क्या है? दल बदल प्रक्रिया को किसमें बताया गया है? अनुसूची 10 में बताया गया है। और अगर बात करते हैं हम अनुसूची 9 में, अनुसूची 9 में बताया गया है भूमि सुधार को। किसमें बताया गया है? भूमि सुधार को। ये बातें मैं आपको पीछे बता चुका हूं। और अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका किसमें है? आपका अनुसूची 12 में स्थित है।
सॉरी दोस्तों, अनुसूची 12 में बताई गई है, स्थित नहीं होगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। संविधान की अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आपको बताना है जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। लंबाई और चौड़ाई कितनी है आपको बतानी है, तो कितनी है? 3:2 हमारे तिरंगे की जो है वो लंबाई और चौड़ाई हो जाती है। चलिए अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? आपको बताना है फ्रीडम ऑफ प्रेस किसमें बताया गया है, हमारे संविधान के किस आर्टिकल में ये है। देखिए क्या अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 25 में, 21A में या 19A में। देखिए जो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता है वो बताई गई है हमारी 19A में। किसमें? 19A में, अनुच्छेद 19A में हमारी प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है, और आर्टिकल 19 में हमारी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। देखिए अगर बात करते हैं हम अनुच्छेद 14 की, अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता। क्या बताया गया है? विधि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नजरों में सभी समान है। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 14 में बताया गया है, और अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 में बताया गया है जो भारत के लोग हैं वे अपने धर्म को मानने व उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। प्रचार प्रसार किसमें बताया गया है धर्म के प्रति, वो बताया गया है आपका अनुच्छेद 25 में। और अगर बात करते हैं आर्टिकल 21A की, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसमें बताया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्या बताया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। क्या बताया गया है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आर्टिकल में बताया गया है? इसमें बताया गया आपका 21A में। और ये कब जोड़ा गया आपका आर्टिकल 21A? जोड़ा गया आपका 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। और किसमें जोड़ा गया आपको याद रखना है? मौलिक कर्तव्य में। किसमें जोड़ा गया? सॉरी दोस्तों, मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार में इसको जोड़ा गया कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक, ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए। ध्वनि की चाल मापने वाला यंत्र कौन सा है? देखिए जो हमारी स्पीड होती है ध्वनि की, उसको हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? तो किसके द्वारा मापते हैं? ऑडियोमीटर के। किसके? ऑडियोमीटर के द्वारा हम इसको नापते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 किस प्रकार से पूछा गया है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? लघुत्तम का मतलब होता है छोटी। आपको बताना है जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है कान में। कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपीज। कई बार इसका नाम भी पूछ लिया जाता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है, स्टेपीज है, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। ये तो हो गई हमारी शरीर की सबसे छोटी हड्डी। और अगर बात करें सबसे बड़ी हड्डी की, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी हमारी? वो हो जाएगी हमारी फीमर। कौन सी हो जाएगी? फीमर, जो कि जांग की हड्डी है। कहाँ पर स्थित है? ये जांग में स्थित है। और जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान में स्थित है, जिसका नाम स्टेपिज है। और सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है, जो कि आपका जांग में स्थित है। और आपको पता होगा कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां हैं। ये बातें हम जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल किस वर्ष मिला? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा, उनको जो है नोबेल कब मिला? उनको नोबेल मिला है आपका 1913 में। कब मिला है? 1913 में इनको नोबेल मिला है। और किसके लिए मिला है? इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल मिला है। कब मिला है? 1913 में। और जो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ये भारत के क्या है? भारत के पहले नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। पहले नोबेल प्राप्त व्यक्ति हैं, और भारत के साथ साथ ये एशिया के पहले भी हैं। एशिया के सबसे पहले नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है हमारे? वो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिनको 1913 में गीतांजलि नामक पुस्तक पर जो है आपका नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए अगला सवाल देखिए। आपको बताना है जो 23 है,
23 में क्या लॉजिक लग के हमारा 299 आया है, वही लॉजिक हमें जो है 24 के साथ लगा रहा है। देखिए जो हमारा ये 23 है, अगर मैं कर देता हूँ इसकी 23 की मल्टीप्लाई किससे, 23 मल्टीप्लाई 14, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 14 3 42 और 14 2 28 और 4 32, 322। और मैं 322 में से कितना घटा जाए, 23, 23 घटा देता हूँ, 322 में 23 घटा देता हूँ तो कितना आ जाता है हमारा 299, कितना आ जाता है 299। तो मैं यही सलूक किसके साथ करूंगा, 24 के साथ। देखिए मैं 24 की भी 14 से गुना करूंगा और उसमें से 24 ही घटा दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 23 की 14 के साथ गुना की थी और 23 ही घटाया है, तो मैं इसमें भी ऐसे ही करूंगा, 24 के साथ 14 गुना करके 24 घटा दूंगा। देखिए 14 चौके 56 और आपका 14 दूनी 28 और 5 कितना होता है 33, कितना होता है 33, ही हो गए हमारे 336। जब मैं 336 में से 24 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 6 में से 4 गया आपका 2 और आपका 3 में से 2 गया 1 और आपका यहाँ पर बच गया 3, यानी कि 312, 312 ऑप्शन बी एकदम इसका बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, निम्न में से विषम कौन सा है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आपको बताना इनमें से अलग कौन सा है, तीन जो है किसी ना किसी प्रकार से संबंधित है। देखिए जो हमारा होठ है, होठ का मतलब होता है गर्म, क्या होता है गर्म होता है, और लिप, लिप का मतलब होता है होठ, जो हमारे होठ होते हैं ना लिपस्टिक वाले, जिन पर लड़की लिपस्टिक लगाती हैं उनको कहते हैं हम होठ, ठीक है, और होठ तो हमारे भी होते हैं वैसे। और देखिए एमआरएफ, एमआरएफ क्या होता है, ये होती है टायर की एक कंपनी, देखिए जिसका ऐड करते हैं ना विराट कोहली, वही है एमआरएफ। और जो ये आपका पोड है, पोड का मतलब होता है मटर, क्या होता है मटर होता है, या सेम बी सी को कहते हैं। देखिए इनमें आपको बताइए अलग क्या लग रहा है, देखिए जो होठ है ये कहीं ना कहीं इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका कोई मतलब है, देखिए ये भी हमारे लिप भी इंग्लिश का वर्ड है और पोड भी हमारे इंग्लिश का एक मतलब है, और जो हमारे एमआरएफ है, एमआरएफ एक टायर का नाम है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही इसमें विषम हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखिए अगला सवाल, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, किससे कहा, मुझसे कहा कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, तुम्हारे पिता का पुत्र है, यानी कि मेरे पिता का पुत्र, मेरे पिता का पुत्र यानी कि मेरा भाई, तो क्या हो गया, तो मेरा उससे क्या संबंध है, सीधी सी बात है मेरा तो वो भाई लगेगा, तो ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यदि किसी संकेत में लवली को MPWZF, यानी कि देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम, ये है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ऐसे इसमें हम करते हैं जो हमारा लॉजिक इसका इसके साथ लगा है वो ही लॉजिक हमें इसके साथ लगा के अपना आंसर जो है निकाल लेना है। देखिए कैसे करेंगे, ये क्या है LOVEL और Y, इसको क्या कहते हैं MPWF और Z। देखिए यहाँ पर L है, यहाँ पर M है, यानी कि L के बाद क्या आता है M आता है, तो प्लस कितना हो गया 1 हो गया, और O के बाद क्या आता है P, O के बाद P, यहाँ पर भी प्लस 1 हो रहा है, और V, V के बाद क्या आता है W, तो यहाँ पर भी प्लस 1 हो रहा है। हमें यहाँ पर पता लग गया है कि जो हमारा पहला वर्ड है उसमें जो है एक जोड़ने पर हमारा अगला आंसर प्राप्त हो रहा है, तो हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। देखिए कैसे, यह है BELOVED, बिलवड है, बिलवड में जब हम बी में बात आती है बी की, बी में जब हम एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सी, और ई के बाद क्या आता है एफ आता है, और एल के बाद क्या आता है एम आता है, ओ के बाद क्या आता है पी, वी के बाद डब्ल्यू, और ई के बाद एफ, और डी के बाद आपका ई आता है, सॉरी दोस्तों डी ई और एफ, यानी कि ई आता है, क्या आता है ई आता है, ई आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा CFMPWFE, कौन सा है हमारा CFMPVW, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इसका आंसर देगी ये होगा चौथा आंसर, क्योंकि इसमें क्या है ये एप जो है मिसप्रिंट हो गया है, ये है ई, क्या है ई, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या लगा है इसमें, लॉजिक ये लगा है कि जो हमारा क्वेश्चन का पहला अक्षर है उसमें एक जोड़ने पर हमारा आंसर प्राप्त हो रहा है, तो उसी प्रकार से हम अपने इसमें भी एक एक जोड़ के अपने आंसर तक जो है वो पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अमन एक पंक्ति में बाएं से तीसरा है, देखिए ये कोई पंक्ति है और यहाँ पर जो अमन है वो है आपका क्या बाएं से तीसरा, यानी कि बाएं से अमन का तीसरा स्थान है, इधर से होता है दाएं, इधर से होता है बायां,
ठीक है, क्या है, बाएं से तीसरा स्थान है, बाएं इधर नहीं बैठेगा, बाएं बैठेगा इधर से, सॉरी, बाएं से क्या है तीसरा स्थान है, और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, यानी कि ये जो हमारी पंक्ति है टोटल इसमें 18 लड़के हैं, और आपको बताना है उसका स्थान दाएं से क्या होगा, यानी कि आपको इसका स्थान इधर से बताना है क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे, इसमें एक सूत्र लगता है, टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यानी कि उसकी लेफ्ट से पोजीशन और उसकी राइट से पोजीशन, और उसमें से एक घटाने पर हमें टोटल प्राप्त हो जाते हैं। हमें क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है हमें टोटल व्यक्ति, टोटल व्यक्ति कितने हैं 18, और लेफ्ट से उसकी पोजिशन कितनी है, लेफ्ट से उसकी पोजिशन है आपकी 18, और राइट से हमें निकालनी है और माइनस वन, यानी कि 18 में से जब मैं, सॉरी दोस्तों 18 नहीं है, यहाँ पर है आपका 3, यहाँ पर है 3, 3 में से एक गया 2, और जब मैं 18 में से 2 घटाऊंगा, 18 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 16, यानी कि राइट से अमन की पोजीशन क्या होगी, 16 होगी। ऑप्शन डी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका देवसेना। चलिए अगला सवाल देखिए, आपका 475 प्लस, देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया गया है केवल हम ऐसे ही करेंगे, अपना दिमाग अलग से नहीं लगाना है। देखिए क्या है, 475 प्लस 950, का मतलब होता है गुना, गुना यानी कि 64%, परसेंट यानी कि बटे 100, बराबर 900 प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर हम इसको मान लेंगे एक्स, क्या मान लेंगे, यहाँ पर हम इसको मान लेंगे एक्स, ठीक। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, देखिए 0 से 0 कटेगी, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और 19 पंजे 95 होता है, और जब हम इसको 2 काटेंगे 64 को, 2 तीय 6 और 2 दूनी 4, ठीक। देखिए 475 प्लस 19 की जब हम 32 में गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा 608, क्या आ जाएगा 608 बराबर, और हमारा बचा हुआ है इधर 900 प्लस एक्स, ठीक। देखिए 475 और 608 ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1083, कितना हो जाएगा जोड़ के देख लीजिएगा, 1083, 900 प्लस एक्स, हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जब हम निकालेंगे ये 900 इधर आके घट जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, और जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, 1083 माइनस 900 कितना हो जाएगा, जब हम 1083 में से 900 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 183, कितना आ जाएगा 183, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। चलिए अगला सवाल, एक व्यक्ति ने किसी पुस्तक को 891 रुपये में बेचकर, यहाँ पर लिखा हुआ है बेचकर, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 891 रुपये है, लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमाया, लागत मूल्य का लाभ 1/10 लाभ, यानी कि 1/10 लागत मूल्य, लागत मूल्य होता है किसी वस्तु पर खर्च किया गया, यानी कि उसका सीपी, और लाभ कितना हुआ है 1 का, ये हमारा हो गया प्रॉफिट। जब मैं किसी वस्तु को 10 रुपये की लाऊंगा और 1 के लाभ पर उसको बेचूंगा तो मैं उसको कितने में बेचूंगा, 11 रुपये में बेचूंगा, तो 11 पार्ट की वैल्यू हमारी, हमारे अकॉर्डिंग हो गई सेलिंग प्राइस, और हमारा सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 891 है। देखिए 11 8 88, 11 8 88 हो गया, और 11 1 11, ठीक, एक पार्ट की वैल्यू आ गई हमारी 11, तो बताना क्या है पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, आपको बताना है सीपी, सीपी कितना है हमारा 10, तो कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 810, 810, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चीता हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक संख्या में से 600 के, देखिए माना कोई संख्या है उसमें से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, यानी कि घटाने पर कितना, 600 का 75%, 600 का 75% यानी कि बटे 100 कितना, 2/3 यानी कि 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, मूल संख्या बतानी है, तो यानी कि हमें जो है x की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे, 25 तीय 75 और 25 चौका 100, और जब हम 4 से इसे काटेंगे यानी कि 15 चौका 60 यानी कि 150, और आपका 3 पंजे 15 यानी कि ये हो गया आपका 50, ठीक। और जब मैं इसकी करता हूँ आपकी मल्टीप्लाई कि इसमें 50 ऊपर बचा 3, 50 3 इधर बचा 2, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 यानी कि 300, एक्स माइनस 300 कितना, 300 बराबर 320 हो गया इधर हमारा बचा हुआ है, और जब मैं इस x की वैल्यू निकालूंगा ये 300 इधर जो है माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, यानी कि
320 प्लस 300 कितना हो जाएगा 620, कितना हो जाएगा 620, 620 ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली हमारा ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी कि ए कोई व्यक्ति है वो किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी अकेला उसी काम को 15 दिन में, यानी कि बी अकेला उसी काम को करने में 15 दिन लेता है। और आगे क्या कहा है, यदि दोनों मिलकर 7 काम करें, यानी कि ए प्लस बी हो जाए, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क मानना है, टोटल वर्क क्या मानेंगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है 30, ये हो गया हमारा कुल काम। कुल काम, कुल काम का मतलब ये है कि हमें ए और बी से जो काम कराना है, और 10 * 30 और 5 = 15 * 30, ये आपका ए की दक्षता कितनी है 3 है और बी की दक्षता 2 है। काम किससे करवाना है, ए और बी से, यानी कि 3 + 2 कितनी हो जाएगी टोटल दक्षता 5, कितनी हो जाएगी 5, काम कितना करवाना है 30, तो 30/5 यानी कि 5 * 30 यानी कि 6 दिन, 6 दिन हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी कि हमारी साधारण ब्याज जो है हमारा उसकी दर से कोई धन, मान लिया जाए कि हमारा 100 रुपये है, वो कितना हो रहा है दुगना हो रहा है, यानी कि 100 से कितना हो रहा है 200, 100 को 2 गुना कितना होता है 200, कितने वर्ष में 20 वर्ष में, कितने 20 वर्ष में कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, तो हमें ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला हमारा 100 से 200 हो गया, यानी कि ब्याज मिला हमें 100 कितने वर्ष में 20 वर्ष में, ये 20 * 5 = 100 यानी कि दर हमारी कितनी आ गई, यहाँ से निकालते हैं हम दर। यहाँ पर अगर आपको समय दिया हुआ है तो आप यहाँ पर दर निकाल लेंगे, अगर आपको यहाँ पर दर दी गई है तो आप यहाँ पर समय इस प्रकार से ही निकाल लेंगे। देखिए दर हमारी आगे कितनी 5%। आगे क्या कहा गया है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, यानी कि जो हमारा 100 रुपये था उसको 300 होने में 5% की दर से कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 100 से 300 हुआ ब्याज हमें कितना मिला, 100 से 300 हुआ तो ब्याज मिला हमें कितना 200 रुपये, कितने परसेंट से 5% से, तो 5 * 20 यानी कि 40 वर्ष में जो है हमारा धन हो जाएगा 3 गुना। ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी फॉर देवसिना हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट के आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इससे भी बेहतर एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो में कोई एडवाइस देनी है तो आप वो भी नीचे लिख सकते हैं, और अगर आपका डाउट भी होता है किसी भी क्वेश्चन में कोई भी, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और इनका रिवीजन भी आपको जरूर करना है।